खबर कालाढूंगी से आ रही है, जहां उप जिलाधिकारी रेखा कोहली के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने कालाढूंगी, कोटाबाग और बैल पड़ाव की देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानों पर छापेमारी की। साथ ही कहा कि ओवर रेट व रेट लिस्ट प्रदर्शित न की जाए। आपको बता दें कि काफी समय से प्रशासन को देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानों पर ओवर रेट की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसके चलते प्रशासन ने मौके पर जाकर कार्रवाई की। वहीं उप जिलाधिकारी रेखा कोहली ने आबकारी विभाग को रिपोर्ट भेजकर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं SDM रेखा कोहली ने आबकारी निरीक्षक को समय समय पर दुकानों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। दुकान मालिकों से कहा गया कि भविष्य में किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई होगी। कालाढूंगी से मुकेश छिमवाल की रिपोर्ट। देखिए, कालाढूंगी में हमारे यहाँ लगभग 3 दुकानें हैं। कालाढूंगी में एक विदेशी और देसी की, इसके अलावा कोटाबाग में एक विदेशी और देसी, और बैलपड़ाव में लगभग हमारे यहाँ 6 दुकानें हैं। तो इन 6 की 6 दुकानों का हमारे द्वारा विजिट किया गया, जिसमें कि ओवरहेड 3 दुकानों में ओवरहेड की शिकायत मिली है। और इसके अलावा उनके द्वारा रेट लिस्ट नहीं लगाई गई है, और कुछ ऐसी जो वाइन की बॉटल्स हैं जिसमें कि उनमें रेट अंकित नहीं है, इसके बारे में हम अपनी पूरी डिटेल विस्तृत आख्या जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर रहे हैं, और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की।